तो भाई दोस्तों यहाँ पे तो मजे ही आ गए हैं बेंगलोर में। ये देखो कि 10 रुपए का कप है, पूरा टब भर के दे दिया। क्या चाय पी लो 10 रुपए का, मैं कमा ले ले। ये पैटी ले रहे हैं साथ में एंड चाय, सुबह ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर निकलते जू की ओर। हमने पता किया यहाँ से जो मेट्रो है, ये मेट्रो सामने दिख रहा है डब्बा सा पूरा है, ये मेट्रो तो यहाँ से जाएंगे मैजेस्टिक, मैजेस्टिक से फिर जाएंगे वहाँ पर हम जू, बस पकड़ के चलो चलते हैं फटाफट मेट्रो के अंदर। जयपुर के बाद यहाँ पे मेट्रो पकड़ रहे हैं ना भाई। अब टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं मेट्रो में। मिल गया भाई टोकन। यप 50 रुपये लगे यहाँ से मैजेस्टिक के, पता नहीं कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से है। वहाँ पे 6 रुपये थे ना, है ना, पता नहीं है, पता नहीं, देखते हैं बैठ के पता लगेगा, जितना वेट लगे उतना उसके हिसाब से पता लगेगा कितना दूर है वो मैजेस्टिक और वो जू। फिर जू तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, देखते हैं। ये तो ठीक है अगर कल नीचे थोड़ा ठंडा हो गया। अभी फाइनली पहुँच चुके हैं मैजेस्टिक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कुछ बस जाती है इसके लिए जू पार्क के लिए, जू पार्क के लिए देखते बस कब और कहाँ से मिलेगी, कैसे क्या मिलेगी। अभी ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का भाई, ऐसा लग रहा है कि टनल साइड में हो गया, लग रहा है कि नीचे बेसमेंट के अंदर है, है ना। हड़बड़ हड़बड़ हो रही है भाई। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर पन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जू है भाई मस्त वाला। टिकट काउंटर ये दिखा रहा है इस रास्ते पर है, तो फटाफट चलते हैं टिकट लेते हैं एंड जानवरों से मुलाकात करते हैं। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आया रास्ता ये वाला। इधर इधर शाबा शाबा, थोड़ा सा और लिटिल बिट मोर। यहाँ थोड़ी ये किंग है भैंस, यहाँ देखियो कैसे कैसे सो रहे हैं। ये भाई मोर देखो, सफेद मोर। तो दोस्तों हमने जू वगैरह देख लिया अंदर एंड हम चले गए थे अंदर, बट अंदर क्या कैमरा अलाउड नहीं है, अलाउड है तो बट 250 रुपये देने पड़ेंगे, इतना बजट हमारा नहीं है क्योंकि टिकट खुद 100 रुपये थी, दोनों 200 रुपये दिए हमने सोचते एक दूसरे के, मतलब शेर देख के ना थोड़ा फंबल हो रहा हूँ, मतलब डर लग गया मुझे शेर देख के। तो दोस्तों जो जो मैंने देखा था ना, जो जो हमने जू में देखा, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है वो रील में डाल दूंगा मैं, एंड जो जो मुझे दिखे जानवर जो दिखे ना वो डाल दूँ एक करके, अब वो दिखते रहेंगे। मैंने फ़ोन से थोड़ा बड़ा शूट कर लिया था, कैमरे में शूट करने दे नहीं देते। कोबरा हो गया, कोबरा हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, चीता, तेंदुआ, एनीवे बाकी आपको दिखता रहेगा एंड मौज मारिए भाई। अब बाहर आए हैं, कुछ खाने के लिए आए हैं, पीने के लिए आए हैं, भूख लगी है, सुबह से पैटी खा रखी, सुबह से बस कुछ खाया ही नहीं हो रहे। देखो जी यहाँ पे खाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि देख के गुस्सा आ रहा है कसम से। इडली दिख रही है, डोसा दिख रहा है, चावल दी दिख के हालत की उल्टी आ जाएगी। वैसे नहीं कि गंदा बना है, वैसे कि खा उक गए हैं यार, मतलब दप गए हैं, देख के अजीब सा लगता देख के चावल देखते ही। एंड यहाँ की एक गलत बात लगी, पूरे से एक जगह पे नहीं है और पूरे कर्नाटका में जो भी कोल्ड ड्रिंक का है जैसे आइसक्रीम है, ठीक है भाई 5 रुपये महंगी है। जब पूछो तो क्यों भाई, क्या डीप फ्रीज़र या फ्रिज का क्या, तो जैसे आइसक्रीम है इसको बाहर रखोगे तुम। अब गलत बात, कर्नाटक सरकार बेकार बेकार, अभी इस मामले में बेकार है। अगर MRP पे 20 लिखा है तो 20 चार्ज करो, ना कि 25, समझ रहे हो। बाकी आई एम एंजॉइंग माई ब्लैक करंट आइसक्रीम। करो भाई कुछ चेंज करो, कोई चेंज 20 की 25 नहीं, 20 की 20 करो, समझ रहे हो।
महंगा ऐसी बर्ड तुम फालतू महंगी बेच रहे हो, दैट्स रॉन्ग। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी दिक्कतों के बाद बिना कुछ खाने खाए, मतलब कर्नाटका ऐसी जगह है ना कसम से, है ना, मैं तो किसी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई यहाँ पर अगर खाना खाए। बाकी यहाँ ठीक है, घूमने के लिए अच्छा है। यहाँ के लोग पता नहीं किस किस में पाँचवा रेट बढ़ा देते हैं। अब सोचो आइसक्रीम, जब पूछा कि भाई आइसक्रीम के 5 रुपये तुमने क्यों बढ़ाए हैं, कहते हैं ठंडी करने के लिए। अब कोई लॉजिक है? अब तो एक गर्म आइसक्रीम कौन खाता है भाई, कमाल है। लेडी हंसने लगी सामने से। एनीवे भाई सिंपल भाषा में कहूँ, कर्नाटका में लूट मचा रखी है, लिटरली मचा रखी है। एंड चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेंगलोर में पहुँचे, जैसा हमने देखा हम बेंगलोर के अंदर थे, तो हमको यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें देखनी थी। एक वो देखा था हमने, क्या देखा था, तो देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले, जू देखा हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए थे, ये अलसुर में अल्लूर का लेक है, पता नहीं कौन सी लेक है, तो यहाँ पर लेक देखने आए थे। बाकी आप लेक देख लीजिए, ये रही मौसम बहुत गंदा हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है, एंड कभी मर्जी भी हम भीग सकते हैं। रेनकोट हमारे पास कुछ है नहीं, कैमरा भी के लिए कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास, ताकि गीले तो ना हो एटलीस्ट, बट ठीक है गोप्रो बच जाएगा। एनीवे मैं बकवास कर रहा हूँ, आप फटाफट चलते हैं यहाँ से हम अगेन स्टेशन के लिए, एंड फटाफट निकलते हैं यार, कर्नाटका फसल ख़त्म करना है, कर्नाटका नहीं पूरा साउथ फटाफट ख़त्म करना है, ताकि क्योंकि मुझे पता दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर खाने में कोई अगेन वही कुछ ज़्यादा वाला सिस्टम हो रहा है, खाने कुछ मिल नहीं रहा, अब भूखे रह रहे हैं, भूखे तो नहीं रह रहे, फ्रूट वगैरह खाए जा रहे हैं, बट फ्रूट कब तक खाएं भाई हमें परौंठे वाले। एनीवे ये लेक है, ठीक है जी, अब फटाफट चलते हैं यहाँ से बिना किसी देरी के, और बहुत हो गया भाई। गिव अप करने मन कर रहा पता, एनीवे मजाक कर रहा हूँ। अभी नहीं करें, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। तो भाई फाइनली रेलवे स्टेशन पहुँच गए, पता नहीं कितनी बसें चेंज करी, कितना कुछ क्या चेंज किया। अब एक मॉल में आया, यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए प्रेशर है, दैट्स व्हाई, लेट मी शो यू, लैब सिस्टम सेट, अब चलते हैं मॉल। अब चलते हैं स्टेशन एंड वहाँ ट्रेन देखते हैं, और जैकेट वैकेट पहनते हैं, सामान सामान संभालते हैं, बड़ा सामान देख के आए नीचे लॉकर में, क्लॉक रूम में, चलो चेक करते हैं। दोस्तों अभी वेट कर रहे हैं हम ट्रेन का, एंड 10:30 बजे की ट्रेन है, 10 की ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठते हैं, फिर वहीं मिलती सीधा आपको, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, आई गेस मूवमेंट आ गया है। एनीवे कोई ना, सीधा ट्रेन में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो भाई फाइनली स्टेशन पे पहुंच गए, यहाँ पे हम, इसका नाम मैसूर जंक्शन। तो लोग को एंड करने समय है, क्योंकि सुबह के 2 बज गए, थोड़ी रात के 2 बज गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।